आपने हमारी तीनों सेनाओं को सैल्यूट करते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारी तीनों सेनाओं के जवान अलग अलग तरह से सैल्यूट क्यों करते हैं और उनका क्या मतलब होता है? आपको देखने में तीनों सेनाओं के सैल्यूट देखने में भले ही एक से लगते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इनके सैल्यूट करने पर काफ़ी अंतर है। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सैल्यूट में क्या अंतर है और इसका क्या मतलब होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सैल्यूट का अर्थ बहुत ही साधारण है। सभी जवान सैल्यूट करके अपने से बड़े को सम्मान देते हैं और सैल्यूट साथ में ये भी बताता है कि उनके पास इस समय कोई हथियार नहीं है और हर कोई उन पर विश्वास कर सकता है। भारतीय सेना के सभी जवान आपको कई मौकों पर सैल्यूट करते हुए देख जाएंगे। इंडियन आर्मी के जवान अपने खुले पंजे से सैल्यूट करते हैं, उनकी सारी उंगलियां सामने की ओर खुली रहती है। इसके अलावा बीच की उंगली और अंगूठा आपके सिर और आइब्रो तक होता है। इंडियन नेवी की बात करें तो इनका सैल्यूट करने का तरीका इंडियन आर्मी से काफ़ी अलग होता है। इंडियन नेवी के जवान भी खुली हथेली से सैल्यूट करते हैं, लेकिन उनकी हथेली नीचे की तरफ होती है। इस तरीके से सैल्यूट करने के पीछे तर्क दिया जाता है कि पुराने जमाने में नेवी के जवान जहाज में काम भी करते थे, जिसकी वजह से उनके हाथ गंदे हो जाते थे। इसे छिपाने के लिए वो हथेली को नीचे की तरफ करके सैल्यूट करते थे और तब से ही इंडियन नेवी ऐसे ही सैल्यूट करती नजर आ रही है। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो पहले वायुसेना के जवान आर्मी की तरह ही सैल्यूट करते थे, लेकिन साल 2006 में मार्च के महीने में इंडियन एयरफोर्स ने अपने जवानों के लिए सैल्यूट के नए फॉर्म तय किए थे। नए फॉर्म वो कुछ इस तरह से सैल्यूट करते हैं कि वो हथेली और जमीन में 45 डिग्री का कोण बनाती है। इंडियन एयरफोर्स इस तरह से आसमान की ओर अपने बढ़ते कदम को दर्शाती है। अब आप जान गए होंगे कि भारतीय सेना में तीनों सेना के जवान अलग अलग तरह से सैल्यूट क्यों करते हैं और सैल्यूट के पीछे का मतलब क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।